प्राइवेट स्कूल से अच्छे क्यों? आप कहते हो ना कि हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा ने प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, वहाँ पढ़ाते तो शायद हम और अच्छे हो जाते। ये तुम्हारा भ्रम है। सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने वाले विद्वान बैठे हुए हैं, ये सभी बीएससी बीएड, बीए बीएड, एमए बीएड, एमएससी बीएड, पीएचडी होल्डर होते हैं और सबकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन होती है, सब जेन्युइन होते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं होता। अब प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं, आप अपने आसपास देख लेना, किसी की सैलरी 2000 होगी, किसी की 5000 होगी, किसी की 10000 होगी। कोई दसवीं पास होगी महिला, कोई बारहवीं पास होगी, कोई बीए बीकॉम में पढ़ रही होगी, कोई परसुई मास्टर डिग्री होगी। समझ में आई मेरी बात? उन्होंने कोई बीएड या बीटीसी या जेबीटी नहीं किया, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग नहीं की, उन्हें नहीं पता अब चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे पहचाना जाता है, उस साइकोलॉजी पर कैसे काम किया जाता है, कैसे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं, कैसे जो बच्चा सुन नहीं रहा है उसको कैसे सुनाना है, कैसे बच्चा एक दूसरे को छेड़ रहा है उसको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है। ये सारी चीजें हम कब सिखाते हैं? जब बीएड और एमएड करते हैं, जेबीटी और बीटीसी करते हैं। तो अधिकतर जो लोग सरकारी स्कूल में होते हैं, इन टीचर ट्रेनिंग चलती है, इन सर्विस, अब ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, अब भी इनकी ट्रेनिंग है कि ज्योमेट्री कैसे पढ़ानी है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ानी है, सॉलिड कैसे पढ़ाना है, इन्वायरमेंट कैसे पढ़ाना है, कैसे शुरू करना है। उन प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापक है उनकी कोई क्लास नहीं लगती। समझ में आ रही है? तो कौन से टीचर अच्छे हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक बहुत अच्छे। अब कारण क्या होता है कि सरकारी स्कूल में आता कौन है पढ़ने? सरकारी स्कूल में आते हैं स्लम बस्ती के रहने वाले बच्चे, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए, जिनके पास कॉपी किताब लेने के लिए पैसे नहीं। अब ये क्या करते हैं, ये एनजीओ को बुलाते हैं, रोटेरियन को बुलाते हैं और किसी से विनती करते हैं, हमारे बच्चे गरीब हैं, इनको ड्रेस दे दो, इनको जूते दे दो, इनको किताब दे दो, इनकी फीस नहीं आई है, साहब इसको गोद ले लो, इसकी फीस भर दो। एम आई राइट? या कुछ की फीस अध्यापक अपनी जेब से भर देते हैं। अब देखिएगा कि कहां पर आप लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दाखिला का दे रहे हो, कहां पर आप 6000 रुपए से 10000, 12000 रुपए महीने की फीस दे रहे हो, और कहां पर हम उस स्कूल से ही हम भोजन कर रहे हैं, उस स्कूल से ही हम जूते कपड़े ले रहे हैं, उस स्कूल से ही हम पठन पाठन की सामग्री ले रहे हैं, तो हमारे और उसके आई क्यू में फर्क है। अब क्या होता है, ये बच्चे आप बच्चों के साथ ही अध्यापक काम करते, मेहनत करते। हेलो।